बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों से अपने घरों की ओर जा रहे हैं। सबके मन में एक ही भाव है कि संकट के समय अपने घर पहुंच जाएं। मध्य प्रदेश चूंकि देश के बीच में स्थित है, हृदय प्रदेश है, और इसलिए मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश के मजदूर नहीं, मध्य प्रदेश के मजदूर लाने के लिए हम ट्रेनों का उपयोग कर रहे हैं, बसों से आसपास के लोग लाए, और हमारी कोशिश है लगातार कि किसी भी मजदूर को पैदल ना आना पड़े। ट्रेनों से उतार के हम बसों के द्वारा उनके घर पर भेजते हैं, और हमारी प्रतिबद्धता है कि एक एक मजदूर को हम वापस लेके आएंगे, उसके घर पहुंचाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश के मजदूर नहीं आ रहे, दक्षिण पश्चिम के राज्यों से उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जाने वाले मजदूर भी बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। वो हमारे भाई बहन हैं, इसलिए हमने कोशिश की है कि उनको पैदल ना जाना पड़े। 1000 बसें रोज मध्य प्रदेश में घुसने की बॉर्डर से लेके दूसरे प्रदेश में पहुंचने की बॉर्डर तक हम बसों से छुड़वाने का प्रबंध कर रहे हैं। प्रशासन और जनता मिलकर दूसरे प्रदेशों के भी प्रवासी मजदूर भाई और बहनों के भोजन का प्रबंध कर रही है, चाय नाश्ते का इंतजाम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वो हमारे अतिथि है, हमारी कोशिश होगी कि कोई दिक्कत उनको ना आने दें। मैं मध्य प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद देता हूं, प्रशासन भी पूरी ताकत से जुटा हुआ है, पर आगे भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मध्य प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोएगा, मध्य प्रदेश में कोई पैदल नहीं चलेगा, यह संकल्प है हमारा। और ओवरलोड ट्रकों से भी आएंगे तो हमारी कोशिश होगी कि वो बसों से उनको बॉर्डर तक भेजें। लेकिन आते समय कई जगह दुर्घटनाएं हो जाती है। आज सवेरे बड़वानी के पास, बड़वानी बॉर्डर पर, सैंधवा बॉर्डर पर हमारे बड़वानी जिले के निवाली ब्लॉक के भाई बहन, पति पत्नी और उनके दो बच्चे मोटरसाइकिल से वापस लौट रहे थे। एक ट्राले से टक्कर हो जाने के कारण माता पिता चल बसे, दोनों मासूम बच्चे अकेले रह गए। हमने तय किया है कि 5-5 लाख रुपए की राशि माता पिता के नाम से और 2-2 लाख रुपए की राशि उन बच्चों के नाम से हम बच्चों को देंगे। बच्चों के चाचा गांव से पहुंच गए, मेरी इच्छा है कि इनमें से 1 लाख रुपए तो बच्चों के तत्काल खर्च के लिए रखे जाए बाहर, और बाकी 13 लाख की FD करा दी जाए, और उस FD के ब्याज से बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा का प्रबंध हो। माता पिता नहीं है लेकिन उन बच्चों के हम संरक्षक हैं, इसलिए पूरा ध्यान रखने की हमारी कोशिश होगी। दूसरे प्रदेश के मजदूर भी एक्सीडेंट के कारण नरसिंहपुर में, छतरपुर में, गुना में उत्तर प्रदेश के मजदूर बहनों और भाइयों की, कुछ मजदूरों की मृत्यु हुई है। ऐसे सभी मृतकों के परिवार के, चाहे वो दूसरे प्रदेश के हों, 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदेश की सरकार की ओर से हम देंगे उनके परिवारों को। इलाज निःशुल्क करवाएंगे मध्य प्रदेश में,
और 25-25 हज़ार रुपये की राशि जो घायल है उनको प्रदान की जाएगी ताकि उनकी व्यवस्था ठीक हो सके। इस संकट और कष्ट के समय हमें मजदूरों के साथ खड़े रहना है, उन्हें कोई दिक्कत ना आए इसका प्रबंध करना है, वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनको काम मिल जाए, भोजन के लिए जितने राशन की ज़रूरत होगी हम उनकी व्यवस्था करेंगे और भरपूर कोशिश ये रहेगी कि हम उनको दिक्कत ना आने दें।